हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था, लाइव वीडियो में, कि मैं ग्वांजो एयरपोर्ट पे बैठा हूँ और अपने फ्लाइट का वेट कर रहा हूँ। और मैं कल ही चाइना से 7 महीनों के बाद इंडिया आया हूँ। और कल आते ही मैंने एक सबसे बड़ी न्यूज सुनी है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 59 ऐप्स को, जो कि चाइना की ऐप्स हैं, उनको बैन कर दिया है, जिसमें टिकटॉक और वीचैट जैसे बड़े ऐप्स भी शामिल हैं। अब मैं आपको ये चीज बता दूं कि वीचैट जो है एक चैटिंग ऐप है, जो कि एक मात्र तरीका है चाइना से कॉन्टेक्ट करने का, बिकॉज बाकी सारे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, सारे ऐप्स बैन है। तो चाइना से अगर हमें कॉन्टेक्ट करना होता है, चाहे किसी को भी कॉन्टेक्ट करना होता है, तो हम लोग वीचैट का यूज करते थे। तो अब क्या होगा, हम कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे? तो ये जो बैन लगा है वो कितना इफेक्टिव है, कितना जरूरी है और क्यों लगा है, इन्हीं सब चीजों के बारे में और इनका क्या इम्पैक्ट होने वाला है हमारी लाइफ पे, इन सब के बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एप्लीकेशंस बैन कौन सी हुई है। हालांकि आप पूरी 59 बैन्स एप्लीकेशन की लिस्ट आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके अलावा जो मेन ऐप्स हैं, मैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। उनमें से कुछ ऐप्स हैं जो सबसे पहले तो आपको पता ही है, टिकटॉक, जो सबसे फेमस ऐप है अभी आज के टाइम पे, सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है टिकटॉक। उसके अलावा यूसी ब्राउजर, वीचैट, शेयर इट, कैम स्कैनर, क्लब फैक्ट्री, ईएस मैनेजर, ईएस फाइल मैनेजर, क्लैश ऑफ किंग जैसे गेम्स, जो कि इतने बड़ी बड़ी ऐप्स हैं, ये सारे बैन हो गए हैं। अब हम दूसरी बात ये करते हैं कि इनकी जरूरत क्या पड़ गई। 2020 के शुरुआत से ही कुछ ना कुछ चाइना से खबरें आ ही रही हैं। सबसे पहले कोविड-19, उसके बाद बॉर्डर पे जो वो उनके साथ हमारे सैनिकों की जुगलबंदी चल रही है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, उसके अलावा जो गवर्नमेंट से, चाइना की गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट में जो प्रॉब्लम चल रही है, उस वजह से ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपने इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर सके, कि हमारी कोई भी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो चाइना तक ना पहुंचे। लेकिन बहुत सारे एप्लीकेशंस में गवर्नमेंट ने और सबने फाइंड किया है कि जो चाइना की एप्लीकेशंस है वो डेटा को यूज कर रही है, हमारे डेटा को यूज कर रही है। और आपको पता होगा कि चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का राज है, जो कि मतलब एक गवर्नमेंट का है। कुछ भी चीज वहां पे जो है, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई न्यूज चैनल हो, चाहे कुछ भी हो, वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकते हैं। सब चीजों पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। सो इट मींस कि हम लोगों के जो ऐप के थ्रू जो डेटा उनके पास जा रहा है, वो उनके ऊपर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है। तो ये बहुत जरूरी था कि हम एप्लीकेशन को बैन करें। ठीक है, बैन करना तो एक तरीके से जस्टिफाइड है। अब मैं तीसरी बार बात ये करने वाला हूं कि ये बैन कितना इफेक्टिव है। जैसा कि आपको पता है, मैं चाइना में रह के आया हूं, तो मुझे पता है कि वहां पे व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और गूगल मैप कोई भी चीज नहीं चलती है। और अगर बैन होना है तो बैन के लिए बिल्कुल ही नहीं चलती हो, जब तक आप वीपीएन यूज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी तो इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि बैन हो गए हैं, लेकिन अभी भी मैं अपने फोन में ये चीजें यूज कर सकता हूँ। हालांकि टिकटॉक तो मैंने बहुत पहले ही अनइंस्टॉल कर दिया था, लेकिन अभी भी मैं वीचैट यूज कर पा रहा हूं। और जितने भी लिस्ट में नाम है, अगर उसमें से कोई भी एप्लीकेशन, जैसे शेयर इट हो गया, शेयर इट मैं अभी भी यूज कर पा रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब ये गवर्नमेंट ने अनाउंस तो कर दिया है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं है, जिस तरीके से चाइना में इफेक्टिव है, दूसरे ऐप्स नहीं चला सकते। ठीक है, तो इंडिया को भी अगर बैन करना है तो इसी तरीके से कुछ कंट्रोल सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिससे सब फिल्टर हो जाए, अगर वो ऐप को यूज करे तो वो ऐप यूज ना हो। चौथी बात कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारे लाइफ में। हालांकि अगर मैं बीइंग अ इंडियन देखूं तो ये बहुत ही अच्छी खबर है कि हाँ, चाइना के ऐप्स बैन हो गए हैं, हम उनको पैसे नहीं देंगे, उन्होंने हमारे सैनिकों को मारा था, तो हमें बदला लेना है उनसे, हम मेड इन चाइना यूज नहीं करना चाहते हैं, हम मेड इन इंडिया यूज करना चाहते हैं, और बहुत सारी चीजें। तो बीइंग अ इंडियन आई एम वेरी हैप्पी कि हाँ, ये सारी चीजें बैन हो गई हैं, राइट। लेकिन अब हम उन व्यापारियों के बारे में सोचते हैं जिनका बिजनेस चाइना पर डिपेंडेंट है। ऑब्वियसली हम सब में से कोई भी चाइना की चीजें यूज नहीं करना चाहता है, कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाहता है। लेकिन अगर हम आज भी कुछ चीज बनाना चाहें इंडिया में, तो रॉ मटेरियल के लिए हमें उन्हीं पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो अभी तक जब तक हम पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, इंडिपेंडेंटली यहाँ चीजें नहीं लग जाते, तब तक हमें चाइना से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। और वीचैट एक ऐसा माध्यम था जिससे हम चाइनीज से कनेक्टेड रह सकते थे, क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक पहले से ही वहां बैन है। अगर हम वहां पे वीपीएन यूज ना करें तो हम लोग उनसे कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यही मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट है जो हम व्यापारियों पे पड़ने वाला है इस बैन का, राइट। इसके अलावा ये चीज हमें देखनी होगी कि ये बैन कब तक रहता है, कितने टाइम के लिए रहता है, या गवर्नमेंट इसको हटा लेती है कुछ चेंजेस करवाने के बाद, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। जब यूसी ब्राउजर बैन हुआ था, उसके बाद उन्होंने कुछ चेंज किया था और वापस से ये आ गया था। तो लेट्स सी इस बार के बैन का क्या इम्पैक्ट रहता है, कितने टाइम तक रहता है, या कुछ बातचीत होने के बाद ये चीज उठ जाती है, मतलब ठीक हो जाती है। अब मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ, आपके ओपिनियन जानना चाहता हूँ इस बारे में। अपने ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। अभी के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड, कीप वॉचिंग।